कर रहा है, लेकिन अगर हम मौजूदा मामले को ले लें और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, मैं बहुत डिटेल में जाके बार बार वो पॉइंट्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उससे समय जाया होगा, लगा नहीं कि कहीं आपके यहाँ आपने नियत की बात की थी शुरू में, वो नियत कहीं दिखी नहीं, चाहे वो पुलिस रिपोर्टिंग से लेकर अभी तक का पूरा मामला हो। सबसे पहले गुप्ता जी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने बहुत सी बातों को, उनकी बातों को मैं समर्थन करता हूं, मगर एक बात उन्होंने कही कि 11 कोर्ट यहां पर फास्ट ट्रैक एक्टिव है। प्रधानमंत्री जी को जो लेटर लिखा गया है और राज्यसभा में उसमें लिखा हुआ है क्लियर, और आप पता कर लीजिए, 88 कोर्ट फास्ट ट्रैक पश्चिम बंगाल में एक्टिव है। 88 क्या करें कोर्ट सर उनका, मैं आपको क्या करें? आपको आप गूगल कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। सीएम का जो लेटर है उसमें डिफाइंड है 66 पोक्सो केस है। पोक्सो इस जो ये जो बिल आया इस पे बच्चों और महिला दोनों के लिए 10 कोर्ट, 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक्टिव फंक्शनिंग करने के लिए ऊपर से परमिशन की तो जरूरत। थोड़ा जैसा बहुत डेटा है आपके पास कि इन कोर्ट्स में है क्या सुप्रीम कुछ कोर्ट फास्ट से हुआ, कितने केसों का निदान हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, कुछ है आपके पास डेटा वगैरह? ना एकदम देखिए डाटा तो आपको टीवी चैनल अभी आप तुरंत अभी बोल रहे हैं, करीबन हजारों 3 लाख कितने केस फास्ट ट्रैक में फाइल हुए और करीब करीब 90% तक लोगों को उसका नतीजा है। 90% से ज्यादा इसकी स्ट्राइक रेट है, 90% से ज्यादा, आप पता करिए ग्राउंड। मगर अभी मुद्दा क्या है, ये जो बोल रहे हैं कि कानून हड़बड़ी में लाया गया, क्यों लाया गया? निर्भया केस हुआ, एक युग बीत गया, एक युग बीतने के बाद भी आज हम कानून में सख्ती की बात कर रहे हैं और सभी पार्टियां समर्थन कर रही है, भाजपा भी समर्थन कर रही है, कहीं ना कहीं कोई देखिए सभी पार्टियां समर्थन कर रही है, मगर मुद्दा यह है कि लोग अभी जो नहीं, तो कानून फिर बना हुआ स्वयं दो साहब महीने बात की यही टाइम है में कि उसको, आप जिस तरीके से ले एक आए मिनट अभी आनन जो फानन कानून में, है तो फिर सवाल उठता है कि आपके पास उतना बैकअप है, आप 21 दिन में कैसे ये सब कर लेंगे, बताइए। बनाना जो पड़ेगा, अभी आप कानून बनेगा तो बैकअप योगिता मैम बनेगा, बोल रही एकदम हैं, बनेगा विपिन साहब। जी, सुनिए सुनिए मुझे हाँ ना जी आ थोड़ा रहा हूँ विराग साहब, थोड़ा सा विराग समय चलिए दीजिए, बोले, विराग कुछ पूछ कहना चाह रहे हैं, ओके कैरी ऑन। मैं मैं थोड़ा थोड़ा सा सा समय समय लेता लेता हूँ, हूँ, उसके देखिए बाद आप विपिन लिए जी, हुए जो हो अधिकृत लीजिएगा। वक्ता देखिए साहब बोल रहे हैं, बहुत जो अच्छी मैंने बात कही डेटा उन्होंने दिया ममता है वो बनर्जी को, केंद्रीय ममता मंत्री जो बनर्जी को चिट्ठी पत्र लिखी लिखा, ममता थी बनर्जी उसका को डेटा एक दिया एक करते हैं, कानून उनको बनाने 3 बातों का की जवाब घोषणा देना कर चाहिए। दीजिए, एक कानून बनाया, एक सख्त से विपिन सख्त कानून जी, बनाया। विपिन जी, हाँ जी, इस विपिन जी, इनको 3 बातों का जवाब देना चाहिए। जब बीएनएस में केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, जो ये अभी अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, उस समय क्यों ने इसको प्रपोज किया था? क्योंकि इसी तरीके के अमेंडमेंट 2019 में देखिए उस दिशा में समय आंध्र हमने प्रदेश में उसमें और 2021 में प्लानिंग महाराष्ट्र में कमीशन आए की थे, मीटिंग की बात नंबर की वन। नहीं, थी मेरी कि बात जैसे सुन लें आप, प्लानिंग कमिशन, नहीं नहीं मेरी सुनिए तीनों बातें सुनिए, सुन लें, मैं आपका मेरी एक एक तीनों सवाल का बातें जवाब सुन दे लें रहा हूं। आप कृपया। नहीं देखिए, मैं 3 बातें आपसे बोल रहा हूं। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट में यह है कि डेथ पेनाल्टी ओनली ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 1983 का मिट्टू का जजमेंट है, 1994 का करतार सिंह का जजमेंट है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। आपने इस कानून को बनाने से पहले क्या आपने अपने एडवोकेट जनरल के, अटॉर्नी जनरल की किसी की राय ली कि आप सिर्फ इसमें राजनीति करते हैं? आपको पता है कि आपके इस कानून को, चूंकि बीएनएस के कानून को आप अमेंड कर रहे हैं, आपका ये जो बिल है केंद्र सरकार के पास जाएगा, क्या आपको परामर्श नहीं करना चाहिए? जब कानून में आप सियासत करते हैं तो कितना आप गलत बिना होता परामर्श है बिल और नहीं उसका आए, दुरुपयोग कैसे बहुत जानकार रोकेंगे? लोग हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं जिन्होंने यह कानून बनाया है। तो आप क्या आपने लगता आपने है, बीएनएस में अपने आपको सजेशन क्या क्यों नहीं लगता है दिए ये थे? सुनिए बीएनएस में सुनिए सुनिए, सजेशन आप क्यों सुनिए नहीं दिए जवाब थे? सुन लीजिए। नहीं, आपने सवाल किए, दो सवाल दोनों का सवाल। आपने कहा कि चिट्ठी के ऊपर में हमें लेटर मिला, आप मुझे बताइए पूरे देश का कानून बनाया जा रहा है और उस कानून को बनाने के लिए आप मेरे से चिट्ठी पत्र या व्हाट्सएप मैसेज में कानून बनेगा क्या? आपको बैठ के चर्चा करनी चाहिए, थिंक, एक नहीं जो देश का संविधान बना था बरसों तक उसके ऊपर में, जब संविधान और कानून बना था उस समय बरसों तक, आज तक अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कानून के अंदर में, प्रावधान मैं है, आपसे रही बात सहमत 21 दिन हूं, की, जो 15 दिन की आपने जो एक्स्ट्रा, एक अपराजिता मिनट बिल मुझे के बोलने कंटेंट दीजिए, को आपने 15 संसद में डेज क्यों का नहीं एक्स्ट्रा उठाया? टाइम है उसमें। अगर अगर इन्वेस्टिगेशन अभी 2 महीने का प्रावधान है, अभी आज तक आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अभी जो बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, आरोपी आज तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई की जांच है, 3 हफ्ते होने जाएंगे सीबीआई को, और अभी तक कोई भी वो व्यक्ति रोज चाउमीन खा रहा है, रोटी खा रहा है, वो क्यों उस पर पैसा लगाया जाएगा जब उसका डीएनए मैच हो गया? क्यों नहीं उसको कल की डेट में फांसी दी जानी चाहिए जब उसका डीएनए मैच हो गया? क्यों नहीं? और कहां तक सीबीआई की जांच गई है? इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही ठीक है है कानून योगिता, क्यों लाया गया। एक मिनट, अरे ये बड़ी कानून चीज लाया गया आपने है कही, कि इसमें कानून इसमें थोड़ी बने, डिबेट लगेगी। लोगों के मामले में है वो, एक आप मिनट ये एक मत मिनट, सोचिए। क्या नहीं, नहीं ये बड़ा, देखिए ये बड़ा अगर बड़ा बड़ा कानून में मामला है खराबी होती, ये। भट हाँ साहब, एक कानून एक में मिनट खराबी स्वयं होती साहब, तो स्थानीय योगिता जो मैम हमारे और भारतीय मैं, जनता आबा पार्टी जी, के नेता हैं आपका भी वो इसमें लोग क्या विचार समर्थन चाहूंगा करते? कि मुझे इस स्वयं बात साहब का कह रहे जवाब हैं कि दीजिए, डीएनए मैच हो गया, आप उसे हैंग कर दीजिए, क्या हम
कानून में इतना स्ट्रेट जा सकते हैं, मतलब ये आप बताएंगे जो कानून के विशेषज्ञ। बुलडोजर चल रहा है जेल में, एक मिनट तो आप भी चला दीजिए बुलडोजर। देखिए अरे स्वयं साहब, आप दूसरी तरफ मत लेके जाइए ना। अच्छा वो सब गलत है तो आप भी गलत करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो गलत है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। एक मिनट रुकिए आबाजी और योगी था। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट रुकिए ना स्वयं जी, एक मिनट रुकिए, बुलडोजर पे भी आएंगे। एक मिनट रुकिए, लाने से पुरोहित जी आपके शोर मचाने से जजमेंट थोड़ी आ जाएगा। कि आपने कहा कि मैंडेटरी है, आपको मालूम है 376 में एक तरह का रेप क्या है कि मतलब अगर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो उस तरह के रेप में भी आप फांसी दे देंगे। आपको थोड़ा तो ट्रायल सुनवाई उसमें सुनिए ना पहले, उसके अंदर में प्रावधान है, महिला थाने है, बहुत से चीजों का प्रावधान है। आपको क्या, आप लोग इसीलिए एक महिला होकर के अगर आप लोग ये अगर इसको महिला होने से क्या होगा इस कानून को, तो महिला होने से क्या होगा स्वयं जी, बात तो पैरिटी पे करनी पड़ेगी ना। आप एक महिला होकर के आपको, आपने पढ़ाई नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं है और बिना पढ़े आप बोल रही है। उसके अंदर में अगर ऐसा देखिए मर्डर होता है, परिवार खत्म होता रहे इस विषय में कि हमें न्याय नहीं मिला। फांसी ऑर्डर हुई, एग्जीक्यूट होने में 10 साल क्यों लगे? आज की जो देश की जनता है ये ठंडे और थके हुए, न्याय नहीं चाहिए, थके हुए न्याय नहीं चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं थके हुए न्याय है। चलिए आप कह रहे हैं कि ठंडा और थका हुआ न्याय नहीं चाहिए, तो फिर क्या पुरोहित जी क्या क्यों बजा रहे थे आपके? आप नहीं होने देंगे उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ऐसे थोड़ी मतलब आपको अभी भी संदेह है, अभी भी संदेह है कि जो आरोपी होता है वो उसको पहले डीएनए मिलने के बाद में क्या अपील करेगा? अरे पुरोहित साहब डीएनए मिल गया एक बात है, लेकिन फिर आपकी पुलिस ने आपके लोगों ने क्यों इस केस को इतना आगे तक खींचा, क्यों उसको बार बार दबाने की कोशिश की, क्या कनेक्शन है आपका? और जब आपके सिर पे आ गई तो आप एक कानून ले आए और कह रहे हैं कि डीएनए मिल गया फांसी दे दीजिए। स्वयं जी ये तो बहुत अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं आप। अरे उनकी बात तो सुन लीजिए, चिल्लाने से क्या होगा? एक मिनट स्वयं साहब, स्वयं जी का ऑडियो डाउन कीजिए, चिल्लाने से क्या होगा? मैम आप बात पूरी कीजिए। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में एक रेस्ट रूम नहीं दिया कि वो बच्ची को सेमिनार रूम में सोना पड़ा और वहाँ रेप होके मर्डर हुआ। जो सरकार एक रेस्ट रूम नहीं दे पा रही है, जबकि विशाखा गाइडलाइंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट कहता है कि 10 से ज्यादा महिलाएं हैं तो उनके बैठने की, रहने की, सोने की जगह होनी चाहिए। तो जो सरकार सरकारी हॉस्पिटल में एक रेस्टरूम लड़कियों ने नहीं दे पा रही है, वो आज ऐसा कानून बना रही है कि 21 दिन में वो पुलिस से वेरिफिकेशन करा देगी। और वो पुलिस जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आदमी को सिविक पुलिस वॉलंटियर बना के उसको पुलिस वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनाती है, वो पुलिस 21 दिन में इन्वेस्टिगेशन कर देगी? आप मजाक कर रहे हैं? आधी पुलिस तो वीआईपी बंदोबस्त में लगी हुई है। आपके फोरेंसिक लैब, योगिता जी ने सही कहा, आप पे फोरेंसिक लैब है, फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में महीनों लगते हैं, 21 दिन में आ जाएगी? क्या बात करते हैं आप? आप पब्लिक को मूर्ख मत समझिए। अगर आप सीरियस हैं तो आप पहले ये तो बताइए कि मेडिकल कॉलेज में रेस्टरूम क्यों नहीं था? वहां पे सिविक पुलिस वॉलंटियर, आप पार्टी वर्कर्स को सिविक पुलिस वॉलंटियर बना के लाइसेंस दे देते हैं कि वो किसी भी अस्पताल में घुस जाए। 10,000 रुपए आप एक वॉलंटियर को दे रहे हैं, वो पार्टी वर्कर है, आप तो वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जबकि रेगुलर पुलिस अगर होती तो क्या आप ऐसे ही संजय रॉय जैसे वॉलंटियर से ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? कलकत्ता का जो रिकॉर्ड है कि पुलिस रेगुलर पुलिस नहीं है, तो आपने सिविक पुलिस वॉलंटियर को लगा दिया, उसको पुलिस चौकी में बैठा दिया, वो वहीं सोता हुआ मिला, तो आप उससे इन्वेस्टिगेशन करा के देंगे? आपके पास कितनी वैकेंसी, आप मुझे बता सकते हैं पुलिस में कि आप 21 दिन में इन्वेस्टिगेशन करा देंगे और 7 दिन और देंगे? मजाक है, आज तक मैंने नहीं देखा कि पुलिस वाले इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन करके दे पाए हो। तो रियलिटी में आइए, डेथ पेनल्टी तो निर्भया के बाद भी थी, लेकिन तब भी निर्भया 2 हुआ, अभया हुआ कलकत्ता में, क्या वो डेथ पेनल्टी रोक पाई? नहीं,
आपको सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको जो लूप होल्स है वो खत्म करने पड़ेंगे, जजेस की पोजीशंस भरनी पड़ेगी, और साथ ही साथ पुलिसिंग इतनी स्मार्ट करनी पड़ेगी कि आप प्रिवेंट करिए क्राइम होना, प्रिवेंशन होना चाहिए, और वही पुलिस फेल हो जाती है। आपके पास इंटेलिजेंस है कि नहीं है, आपने कभी ट्रैक रखा, आपके सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, आधे कैमरे इस कॉलेज में काम नहीं कर रहे थे। तो बिना सिस्टमिक रिफॉर्म्स के अगर सोचते हैं कि पब्लिक को एक डेथ पेनल्टी का कानून ला के ये कानून डेथ रेप रोक देंगे, तो ये सरकार का भुलावा है। अभी भी कुछ बोलना चाहेंगे स्वयं साहब? नहीं, मेरा तो हैंडल आपने आवाज डाउन जरूरी